सबसे ऊपर आता है यूपीएससी विच इज कंसिडर्ड वेरी गुड दैट यू आर एस्पायरिंग टू बी अ अ यूपीएससी, यूपीएससी एस्पिरेंट एस्पायरिंग टू बी अ गवर्नमेंट ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ एन आई एस और एन आई पी एस और एनी अदर ऑफिसर उसके नीचे आती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हर स्टेट का अलग होता है यूपीएससी तो आपको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम साथ में स्टेट पी एस सी हर कोई अपनी तरह से इसको रखने की कोशिश करता है उसके नीचे नॉर्मली जो हमारी अवेयरनेस बोलती है वो होता है एस एस सी बैंकिंग पीएससी रेलवे बट ये बीच में एक एग्जामिनेशन की कड़ी है जिसको हम भूल जाते हैं ये छुपी हुई एग्जामिनेशन हैं जिसके बारे में आपको बहुत लेट पता चलता है दीज आर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन पॉपुलरली कॉल्ड एज आर बी आई सेबी एंड नबार्ड एग्जाम्स आज के सेशन में हम इन एग्जाम्स के बारे में फोकस डिस्कस करेंगे समझने की कोशिश करेंगे एंड वील कंपेयर दिस एग्जामिनेशन विद अदर एग्जामिनेशन जिससे कि आपको आइडिया लगे वेदर यू कैन प्रिपेयर और नॉट हाउ सबसे पहले देख लेते हैं, कि में बहुत कम आती हैं. अगर हम आरबीआई की बात करें या सेबी की बात करें अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड वेकेंसीज आर अनाउंसड एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली वन लाख एप्लीकेस अप्लाईड फॉर दिस एग्जामिनेशन तो अगर हम पर वन थाउजेंड एप्लीकेंट्स देखें तो देर आर टू वेन्सी अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एस एस सी से और बैंकिंग से इफ यू लुक एट बैंकिंग टी टी वन देर नाइन थाउजेंड वेन्सीमेटली एंड फिफ्टी लैख एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन मतलब थाउजेंड एप्लीकेच इज ऑलमोस्ट द सेम एज दिस पर फाइव थाउजेंड करेंगे तो ये आ जाएगा टेन

सीज और यहां से पता लगता है कि वेकेंसीज आर गुड दिखने में कम लगती है बट नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर ऑल्सो कंपेरेटिवली वेरी लेस उसके नीचे हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे ग्रेजुएशन सिक्सटी परसेंट फॉर आर बी आई एन अबार्ड विच इज अटल हायर फॉर ऑफ स्टूडेंट्स बट अगर आप इससे ऊपर हैं मतलब आप यू आर ऑलरेडी इन अ कमांडिंग पोजिशन क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स इसके नीचे होते हैं और एलिमिनेट हो जाते हैं इंजीनियरिंग अगर आपने किया है देन ऑल्सो सिक्सटी परसेंट फॉर ऑल द थ्री एग्जाम्स बट इफ यू आर अ सिंपल ग्रेजुएट तो अगर आपको सेबी का एग्जाम लिखना है तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा विद नो परसेंटेज रिक्वायरमेंट फॉर एग्जाम्पल बी कॉम किया है तो उसके बाद एम कॉम या एम बी ए करना पड़ेगा बीबीए किया है तो उसके बाद भी एम कॉम या एम बी ए करना पड़ेगा और एनीथिंग एल्स विच हैज अ मास्टर्स डिग्री टैग ये हो गई एलिजिबिलिटी की बात अब आते हैं सिलेबस पे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट केयरी फॉर ऑफ एसपेर इफ यू टॉक अबाउट आरबीआई क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए इफ यू टॉक अबाउट क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए ए नबार्ड की बात करेंगे वहां पर भी ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो तीनों एग्जाम्स में आते हैं वापस आते हैं आरबीआई पे इंडियन इकोनॉमी फाइनेंस मैनेजमेंट एंड इंग्लिश राइटिंग दीज सब्जेक्ट डिसाइड योर मेरिट ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम्स साइमल्टेनियसली तो ये तो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर होगा दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू प्रिपेयर इफ यू आर अ सेबी सेबी या फिर का एग्जाम प्रिपेयर करने की सोचोगे तो कौन रीजनिंग इंग्लिश जी बैंकिंग के साथ ही ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा इन एडिशन यू हैव टू कवर दी सिक्स सब्जेक्ट्स फाइनेंस मैनेजमेंट कॉस्टिंग इकोनॉमिक्स अकाउंट्स एंड कंपनीज एक्ट दे फोर इफ यू आर अ कॉमर्स ग्रेजुएट सी ए हो या फिर कॉमर्स से कुछ किया है ग्रेजुएशन या मास्टर्स देन इट बिकम्स सुपर इजी एंड इज ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दीज काइंड ऑफ एप्लीकेंट्स कम टू नाबार्ड नाबार्ड में अगेन दीज आर क्वालिफाइंग दीज आर मेरिट सेक्शन इसमें बस आपको मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं इन एडिशन टू गोन रीजनिंग इंग्लिश जी ए वी ऑल्सो है कंप्यूटर्स एंड डिसीजन मेकिंग जो कि बहुत एवरेज लेवल का आता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है

तो ये देखा गया है जनवरी टू मार्च के बीच में सेबी का एग्जाम होता है मार्च टू जून के बीच में आरबीआई का एग्जाम होता है एंड जून टू अक्टूबर के बीच में नबार्ड का एग्जामिनेशन होता है विच मीन्स दीज थ्री एग्जाम कवर दर इंड साइकिल फॉर यू तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी करोगे तो आपका पूरा साल बिजी रहेगा विच इज अ गुड थिंग बिकॉज यू डोंट हैव टू वेट एन एंटायर ईयर फॉर एन एग्जामिनेशन आप एक साल में तीन एग्जाम्स लिख सकते हो दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज योर प्रॉबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन एज वेल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम लीकेज प्रॉब्लम जो कि एस में देखी जाती है 2020-2019 के रिजल्ट्स अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं सिलेक्शन नहीं हुए हैं फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हुई है

फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी आप डायरेक्टली रिलेटेड रहते हो एंड यू वर्क इन टैंडम विद ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली तो आपको एक्सपोजर जो मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू समथिंग लाइक एस एस सी ओके सैलरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ स्टूडेंट्स आरबीएस नबार्ड को अगर हम करें कंपेयर एस एस सी और बैंक पीओ से सो यू गेट अ सैलरी ऑफ वन लैक टू वन लैख फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ इन दीज थ्री ऑर्गेनाइजेशन एस एस सी में पचास से साठ हजार है एवरेज और बैंक पीओ में चालीस से पचास हजार है इफ द ऑफ रेश इज द सेम दिलेबस इज लेट से फिफ्टी परसेंट सेम एंड इफ प्रिपेयरिंग फॉर बैंक देन नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स वेल सैलरी में डिफरेंस आपको क्लियरली दिख रहा है अगर हम चार्ट के बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करें सिलेबस को तो बैंकिंग का अगर सिलेबस यहां है देन आरबीएस का सिलेबस इज अ बड़ा है तो अगर आप आरबीएस तैयारी कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपकी बैंकिंग की तैयारी हो जाएगी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है दिस इज एन एडवांटेज एडिशनली अगर हम यूपीएससी एक्सपीरियंस की बात करें या आप सोच रहे हो कि यूपीएससी लिखना है फ्यूचर में इफ दिस इज दर सिलेबस ऑफ यूपीएससी देन देर इज सम ओवरलैप एरिया जो कि समरिया और यूपीएससी में सेम है फॉर एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस जिसको हम जनरल स्टडीज भी बोलते हैं ऑल थिंग्स आर सिमिलर है यूपीएससी में पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आर बी आई का हो जाएगा तेरा सम सब्जेक्ट्स विच आर डिफरेंट फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इंग्लिश राइटिंग आपका यूपीएससी की प्रिपरेशन से ऑटोमेटिकली हो जाएगा दीज आर दी ओनली टू सब्जेक्ट्स इन आर बी आई एंड फाइनेंस मैनेजमेंट कॉस्टिंग जो छह सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे फॉर सेबी एंड नाबार्ड में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ओनली वन सब्जेक्ट ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे बट आई डोंट थिंक इट शुड बी अ प्रॉब्लम यू आर कवरिंग हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स एंड सो मेनी थिंग्स लिटरली एवरीथिंग अंडर द सन वेन यू प्रिपेयर फॉर यू तो ये था पूरा एनालिसिस ऑफ दीज एग्जामिनेशन दीज ऑपॉर्चुनिटीज विच आर लाइंग आउट देयर जो कि आप एज ए ग्रेजुएट रियलाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस If you want to see more such sessions, more such videos on these examinations, you can visit my YouTube channel by the name of Anuj Chindal. You can also call me and you can reach out to me by writing to me in the comment section below. All the best, guys. Take care. Bye bye. Jai